बार आएंगे और कुछ लोग हैं उनके साथ बात करेंगे कि अभी चुनाव का माहौल क्या है। कैसे देख रहे हैं अभी चुनाव का माहौल है? क्या हालचाल है? हम कुछ नहीं बोलने से गए। सरकार के ऊपर खुश है क्या? दीदी के ऊपर? दीदी का ऊपर तो खुश है। खुश है? क्या नाम है आपका? हमारा नाम मेघनाथ। अच्छा, इस बार बीजेपी बोल रहा है कि बीजेपी बनाएगा सरकार, आप? अरे बीजेपी आएगा तब ना सरकार होगा, आएगा तब ना। आप लोग किसको चाहते हैं? हम लोग दीदी का चाहता है। क्यों क्यों? हर टाइम दीदी को किया है, दीदी को ही बुलाएगा। आपका सब काम दीदी कर रहे हैं? सब नहीं कर रहा, मगर दीदी को हम लोग को अच्छा लगता है। मोदी का आया है यहाँ ना? मोदी का कुछ आदमी आया बोलिए? नहीं, मोदी जी तो बार बार आ रहे हैं। कहाँ आ रहा है? आने से बार आ रहे हैं? बहुत बार आ चुके हैं, इधर नहीं आया। जब आएगा तब देखा जाएगा मोदी के लिए, यही बात है। नहीं नहीं, बंगाल तो बार बार आ रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि इस बार बंगाल में बीजेपी का सरकार बनेगा, देखा जाएगा। आपको क्या लगता है? हमारा तो लगता नहीं, हमारा लगता नहीं दीदी आएगा। आपको लगता है दीदी आएगा? लेकिन बाहर सब लोग बोल रहे हैं, लोग बोलेगा 1 लाख वोट में जीतेगा, 20,000 तो जीतेगा, बस यही बात है, मगर दीदी आएगा। आप दीदी के ऊपर खुश हैं? हम लोग खुश है हर टाइम, कहे दीदी का पार्टी करता, दीदी का ऊपर तो खुश रहेगा। ठीक है, आप दीदी के ऊपर खुश है। आप कैसे देख रहे हैं अभी चुनाव का माहौल है? जनता है, आप जनता जनार्दन है, आप जिसको चाहेंगे वो सरकार बनाएगा, वो मुख्यमंत्री बनेगा। अभी बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस में फाइट हो रहा है, क्या लगता है आपको? हम क्या बोलेगा उसको? आप बंगाल में बोलिए, बंगाली में बोलिए। बोलो हमारे की बोल पड़ा से बोलूँ, एक बार भोटे व्यापार हो यार जेटा भलो लागे से ताकि देवे। वो तो ठीक है, लेकिन माहौल क्या है? अभी माहौल क्या है, हलचल क्या है? हलचल हालचाल क्या है वो तो बोलना, वो उसके हम बोल नहीं सकेगा क्या हालचाल होगा, क्या की बोलो बोलो हालचाल। अकेला दीदी है और सारे बीजेपी नेता है, आपको क्या लग रहा है? अरे दीदी अकेला अकेली पड़ जाएगा क्या? पड़ जाएगी ना? पड़ेगा नहीं, दीदी आएगा? पड़ेगा नहीं आएगा? अरे सौ आदमी है, दीदी आएगा। दादा सर जी, आप कैसे देख रहे हैं? अभी तो जनता है, अभी तो माहौल सरगरम है, बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस, दीदी और वर्सेस नरेंद्र मोदी, क्या लगता है? देखिए सब तो हल्ला करता है, बीजेपी बीजेपी हल्ला करते ही है, तो एक बार सबको चांस देते ही, एक बार बीजेपी की चांस दे दिया जाए। किसको चांस मिलना चाहिए? बीजेपी को। बीजेपी को? यहाँ का मुख्यमंत्री कौन है? बीजेपी का कौन बनना चाहिए? अभी तो रियल मालूम नहीं चला, अभी आप बता रहा है कोई, ये मालूम नहीं चला अभी, अब देखिए कौन होता है मुख्यमंत्री, हम लोग को मालूम नहीं चला है। ओके, आप दीदी को नहीं चाहते? आप देखिए, आप अभी तो लगभग चाह रहा था, किसे कैसे बोले, दीदी हम लोग चाहते ही नहीं अभी, अभी हम लोग सोचते हैं कि जो नया प्रमंत्रण हो नया आवे, हम नहीं सोचते हैं। एक चांस मिलना चाहिए, अभी चांस मिलना चाहिए बस। लेकिन दीदी जो काम करना चाहिए था कि किया है, आपको लगता है सही किया है? सब काम अच्छा है, आप काम सबको चांस दिए किया, ठीक है, एक बार चांस इसको भी, इसीलिए स्पष्ट होता कि एक बार चांस इसको मिलना चाहिए, बस यही बात है। और कुछ बोल आपके ऊपर भरोसा है बीजेपी के ऊपर कि जो बोल रहा है कि सुनार बंगाल बनाएगा? अब देखिए वो तो बोल रहा है, अभी तो दीदी भी बोल रहा है सुनार बनाएंगे, अब तो सब बोलता है, अभी बोलता है इसको भी देखे, एक बार देखे, एक बार चांस इसको भी देखे। अच्छा, बस यही बात है आपका, आप सिर्फ चांस देना चाहते हैं? हाँ बस, कि एक बार उनको भी चांस दे दीजिए, वो क्या करते हैं देखते हैं, देखते हैं बस, बस। तो वो केंद्र में है, देश चलाते हैं, वो केंद्र में है, केंद्र सरकार वो है, अगर हाँ। राज्य सरकार बने तो जुड़ मिलकर काम करेगा ही। अच्छा, डबल इंजन का सरकार हो जाएगा, जरूर इंजन हो जाएगा हाँ। तो काम करने में ठीक रहेगा इसको, वही और क्या है, तो काम अच्छा होगा, काम अच्छा लगता है कि बीजेपी आएगा तो काम अच्छा होगा, काम अच्छा होगा, केंद्र में केंद्र सरकार ही, राज्य सरकार रहेगा, जुड़ मिलेगा काम होगा, आज अब विपक्ष है तो काम हाल होगा नहीं, फट चलेगा सबका। अच्छा बस, ये भाई साहब क्या देख रहे हैं अभी क्या माहौल है? टीएमसी रहेगा,
जब तक टीएमसी है तब तक ही बंगाल जिंदा है। लेकिन बहुत सारे लोग बोल, वो ढपला है मोदी का, ढपला है मोदी चलेगा नहीं। लेकिन बहुत सारे मोदी का बाप कौन है पहले बोलिए, बंगाल में बाप बना रहा है, हैं? मोदी का बाप कौन है? कौन है आप बोलिए, हैं? उसका बाप का ठिकाना नहीं है, बहू को छोड़ दिया, बंगाल को सोनार बंगाल बनाएगा। सोनार गुजरात बना है पहले, चाय बिक्री करे, सोनार गुजरात बना है पहले, यूपी में धर्षण हो रहा है, हर्षद कांड कर दिया, यह सोनार बंगला बनाएगा अपना अपना गुजरात में। गुजराती भाई ईडी से लेके सीबीआई, राष्ट्र से लेके सब सब जगह अपने जात भाई को डुका दिया है। बीजेपी के ऊपर गुस्सा है या नरेंद्र मोदी से? नरेंद्र मोदी का ऊपर गुस्सा है। अच्छा, बीजेपी का ऊपर, जब अटल बिहारी वाजपेयी था बहुत अच्छा था, बीजेपी के ऊपर नहीं। ये अमित शाह और मोदी ये पूरा खा जाएगा इंडिया को, खा रहा है, बैंक LIC सब बेच दिया है, रेलवे में अभी मंथली करेगा, रेलवे बेच दे रहा है, रेल बेच दे रहा है, अपना बाप का सब प्रॉपर्टी है क्या है? आज इतना गवर्नमेंट आया है, कोई गवर्नमेंट बेचा है गवर्नमेंट का प्रॉपर्टी बेचा है? वो दिन में बोलता है चाय वाला, रात में क्या राफेल वाला, राफेल में कांड किया था, राफेल में कितना कमाया हूँ। अच्छा, लेकिन बहुत सारे लोग बोलते हैं, लोग क्या बोलेगा, लोग नहीं, को चांस मिलना चाहिए। नहीं, चांस क्या मिलेगा, जहाँ चांस मिला हुआ तो बेच दिया। अच्छा, अभी भी राशन फ्री दे रहा हम लोग का बंगाल सरकार है, कोई स्टेट में है फ्री में, हम लोग का ममता जी दे रहा फ्री में। दीदी के ऊपर आप बहुत खुश? दीदी का तो दीदी कर रहा है बोल के हम फेथ है, अदरवाइज नहीं। काम कर रहे हैं, काम तो अभी देख लीजिए, आप देख लीजिए, लाइट देखिए, रास्ता देखिए, देख लीजिए गंदा है कहीं, इन लोग का काम कर रहा है लेकिन यहाँ पे भी साफ सुथरा है। अच्छा, यहाँ पे जो BMC है काम ठीक कर रहा है? हाँ एकदम। हाँ, दीदी का शासन अच्छा है? बहुत है। मैं एक बात जानना चाहता हूँ कि जो बार बार मोदी जी आ रहे हैं, शाह जी आ रहे हैं, बीजेपी का जो इंटर कैबिनेट, अरे एक तो बात, आप मेरा फोटो लीजिए पूरा, एकदम पूरा, मैंने दिल्ली का रिपोर्टर है तो आप दिल्ली में भेजिएगा, ममता बनर्जी आ गया बंगाल में, दिल्ली में मोदी हट जाएगा, चैलेंज कैसे है? पूरा सपोर्टिंग है, इंडिया का पूरा सपोर्ट है ममता बनर्जी का ऊपर, और मोदी शाह वो तो मोदी का लड़का तो दो नंबर धंधा करके अभी बैठा हुआ, वो इंडिया का, इंडिया क्रिकेट का अभी टीम में वो रहेगा, मोदी का नहीं, अमित शाह का। अच्छा, नड्डा कितना बड़ा चीटिंग बाज है बोलिए आप, और जो पैंट के सूट वूट आ रहा है, हेलीकॉप्टर में आ रहा है, प्लेन में जा रहा है, किसका पैसा? हम लोग का पैसा से है? गरीब का, जनता तो का। आप मुझे एक बात समझा दीजिए, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ अभी तक, कि जब चुनाव से पहले हर जो टीएमसी में थे जो नेता, शुभेंदु अधिकारी थे, बहुत सारे नेता, मिथुन चक्रवर्ती, आप शुभेंदु का, हम आप शुभेंदु का बात करेंगे, पहले मिथुन का बात बोल रहे, हम लोग मोहल्ला का लड़का है, ठीक है, जोड़ावान का लड़का, उसका लड़का रेप केस में आसामी हो जाता इसलिए उसको धमकाया गया, ठीक है, बीजेपी में आओ नहीं तो फिर तुमको, तुम्हारे लड़का को फिर भेजेंगे, और हम लोग का जोड़ावान का लड़का हो तो बंगाल का है, तो इसलिए मोदी दाढ़ी बना लिया बंगाल का, ओ रविंद्रनाथ टैगोर का बाबा, अभी चल गया, कहाँ समझते, आप सब समझते, अभी कहा है बांग्लादेश का गया भाई, कहा है बांग्लादेश गया, अभी तो हिंसा हो रहा है बांग्लादेश, नहीं 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 नहीं, वो जो ठाकुरवाड़ी का जो वोट लेने के लिए बांग्लादेश गया, ठीक से बोलिए ना, बांग्लादेश ठाकुरवाड़ी का है ना, उन लोग का NRC CA नहीं करेगा इसलिए बांग्लादेश गया शेख हसीना को समझाने के लिए। नहीं, मुझे एक बात समझा कि जो TMC में जो नेता से वाला है वो TMC छोड़ के BJP क्यों चला? कौन गया नेता? शुभेंदु अधिकारी का, बहुत सारे, बोली 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 बोली, हम उसका बोलेगा, तो बोलिए शुभेंदु, और बहुत सारे नेता, और बोलिए ना, और दो तीन नाम है, हम उसका लिस्ट खोल देंगे, उसका उसका पूरा परिवार का लिस्ट खोल देंगे। TMC छोड़ा क्यों? देखिए, TMC छोड़ा, कौन छोड़ा, शुभेंदु का बात बोल रहे हैं,
हम उसका पहले उसका बाप का नाम बोले मुकुल राय, मुकुल राय वो नंबर वन चीटिंग वाज शारदा कांड में था, एक नंबर ममता वहीं 5 पैसा नहीं खाया। पहले वो गया शारदा कांड बचने के लिए, वो गया बीजेपी में ज्वाइंट पहला किया शुभेंदु अधिकारी, उसका बाद उसको घेरा गया था अटल बिहारी वाजपेयी आडवाणी लालकृष्ण आडवाणी का 2014 में वो सेटिंग किया था, वो नहीं तो उस टाइम में चल जाता हूँ शुभेंदु, ठीक है। रुपया का उसको दिखाया गया टीवी में, कैमरा में दिखाया गया है शुभेंदु अधिकारी, शुभेंदु अधिकारी को कितना सपोर्ट किया था, आज उसका पिताजी शिशिर अधिकारी हैं, कितना उसको पोस्ट दिया गया था शुभेंदु को, 12 पोस्ट दिया गया था पूरा पश्चिम, मैंने पूरा पश्चिम मेदिनीपुर में उसको पोस्ट दिया गया था, उसका पिताजी का, स्वर्णेंदु का, शिशिर अधिकारी का, और उसका जो बीजेपी डराया तो ईडी सीडी आओ नहीं तो जाओ जेल। तो अभी जो धर्म को लेकर राजनीति हो रहा है हिंदू मुस्लिम बंगाल में नहीं चलेगा भैया, धर्म विभेद सृष्टि करना नहीं, क्या लगता बंगाल में हम लोग सब भाईचारा मुस्लिम हिंदू सब भाईचारा में है, यहाँ जय सीएम करने से नहीं होगा, यहाँ माँ को और बाप को पहले प्रणाम करूंगा फिर मंदिर में जाओ। तो जय श्री राम बोलने से दीदी भड़क क्यों जाती? नहीं वो दीदी वो सब प्रचार किया गया है, भड़काने के लिए किया है, प्रचार किया गया नहीं बहुत बार। अब दीदी जय श्री राम बोलिए ना, प्रॉब्लम क्या है? जय श्री राम बोलिए तो क्या बोल रहे हैं बीजेपी वाले? जय श्री राम, जय श्री राम, हाँ जय श्री राम बोलिए। पहले सीता माँ को लाइए, सीता माँ को रेप करिएगा और बाप को लाइएगा जय श्री राम ये वोट का चक्कर में। जय सियाराम बोले पहले सीता माँ को पूजा कीजिए, घर का तो पहले संसार का पहले तो माँ है। तो राम रहीम में विभेद सृष्टि करना क्यों चाहते? कौन कौन है? मोदी कर रहा है, कोई नहीं किया इसका पहले, बीजेपी उठा था अटल बिहारी वाजपेयी कभी नहीं किया। वो बोल रहे हैं कि दीदी मुस्लिम के नहीं, साथ नहीं, नहीं चाय वाला कर रहा, चाय वाला, चाय वाला कर रहा है विभेद, चाय वाला विभेद कर रहा है। जिसका जो नेचर है ना वो चाय बिक्री करते गए उसका नेचर तो छोटा ही रहेगा ना, अभी दाढ़ी बना लिया रविन्द्रनाथ टैगोर लिया, कभी जाएगा तो वहाँ पर वहाँ अमरनाथ में वहाँ जाके ओम नमः शिवाय, तो वहाँ पर जय श्री राम नहीं कर रहा, तो वहाँ तो ओम नमः शिवाय उसका जो घोसला बना के बैठा हुआ था इसका पहले इलेक्शन में। बंगाल में सब चुतियागिरी नहीं चलेगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपक शर्मा। दीपक शर्मा जी हमारे साथ थे, वो बहुत सारे कुछ बात बोल रहे थे कि बंगाल में क्या है माहौल, और एक भाई साहब है उनसे थोड़ा बात करेंगे। भाई साहब अभी माहौल क्या है, आपको क्या लगता है? आप बोल, अभी माहौल तो वही लगता है जो दीदी मुनि है वही है, दीदी मुनि रहेगा वही रहेगा, बहुत काम किया, बहुत काम किया और करेगा। बात बोल रहा मोदी का हाथ में तो बहुत आदमी है, अच्छा जनता का एक लेडीज के लिए वो किए हैं और भी करेंगे, किसी कलकत्ता के लिए वो बहुत किए हैं और भी करेंगे, बंगाल जो है ना वो करेंगे। सोनार बंगाल नहीं हुआ, वो मोदी जी बोल रहे हैं कि भेज देगा बंगाल को, नहीं हुए सब है, है बोला सोना बंगाल है, सोना का बंगाल है। भाई साहब क्या डरेंगे, डरेंगे क्या? अभी माहौल कैसे देख रहे हैं आप? का माहौल बोलते का बुझे जो चुनाव का माहौल है, दीदी आएगा लगता है, दीदी आएगा कुर्सी में, दीदी आएगा जब लॉकडाउन था बिल्कुल निकला, मुख्यमंत्री निकल के डाक डाक दिया, मुख्यमंत्री निकल के यही बनाते हो वही चाल दो, अभी फिर चल दे रहा है। लेकिन अमित शाह बोल रहे हैं तो डाकर है, वो कल बोल रहे हैं डाकर है, एक तो पहला चुनाव हुआ है 30 क्षेत्र में उसमें 26 सीट हमारा है, और मेसिंग गड़बड़ किया वो लोग, मेसिंग में गड़बड़ किया वो लोग। अगला एक तो बात हम भाई साहब बोल दे रहे हैं आपको रिपोर्टर, अगला यदि मशीनरी किया है तो बंगाल नहीं इंडिया जलेगा, पूरा भारत वर्ष जलेगा, मोदी का माँ का घोषणा में जाएगा, ठीक है। और एक भाई साहब आपको क्या लगता है क्या माहौल है, कौन आएगा इस बार? दीदी 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 और मोदी, मोदी दुकान में बैठेगा। भाई साहब अब क्या माहौल है? माहौल आप बोलिए, ये तो हम लोग को तो दीदी देखता है, फ्री में राशन देता है, चावल देता है, गहम देके इसको ही मांगता है, लॉकडाउन में ये दीदी तो बचे हुआ हम लोग को फ्री में, और क्या बोलेगा। तो
इस बार किसका? दीदी आएगा, हम बंगाल में दीदी आएगा, और कौन आएगा बंगाल में? दीदी आ रहा है। मोदी का हाथ में तो खा दिया, फ्री में खा खिला दिया, लॉकडाउन में हम लोग को खिला दिया दीदी, फ्री में खिला दिया, हम लोग तो मर जाता है। फ्री में अभी देते हैं, हम लोग खाता है। दीदी के ऊपर खुश है आप? हाँ खुश है, एकदम बहुत खुश है भाई साहब। हाँ हम मिन्नापुर वाला है, हम मिन्नापुर से आया है। वोटर है कि नहीं? हाँ वोटर तो जरूर है, वोट के खाली देखिए पहला वाला वोट दिया है चुनाव। अच्छा पहला वाला चुनाव देखा है? अमित शाह बोल रहे हैं। हाँ जंगल महल वाला चुनाव में देखा है जी, कल बोल दिया क्षेत्र में चुनाव हुआ है। सुनो सुनो सुनो, मेरा बात ये है जो दीदी बोला है और जो मिलता है, जो जन्म हम बंगला में बोल रहा है, जन्म होले शिशु साथी, स्कूले गले सबुज साथी, ठीक है, खिदा पेले खाद्य साथी, অসুস্থ হলে স্বাস্থ্য সাথী, অন্তিম কালে সময় ব্যথী, এই মাটিতেই খেলা হবে, আমরা দিদিকে চাই। বাইর থেকে বর্গী আছে, প্রতি মাসে নিয়ম করে, তুমি আছো আমি আছি, এই তো বন্ধু খেলা হবে। হ্যাঁ মেদিনীপুর কা জঙ্গল মার্গ ভাই, ও বলো ওর কায় বললাম বলো হ্যাঁ মেদিনীপুর কা, মেদিনীপুর 16 নম্বর ওয়ার্ড। और क्या चाहिए बोलो, हमारा मेरा कौन सा क्या चाहिए? चुनाव बोले, हम चुनाव दे दिया कल, बोलो क्या क्या चाहिए बोलो। साहा जी बोल रहे हैं हाँ कि जो 30 क्षेत्र में चुनाव हुआ हाँ, वो 26 सीट उनका है। हाँ हो सकता है, हो सकता है, बहुत कुछ तो बोला हुआ है, बहुत कुछ बोला है। लड़का तो बोल रहा है, ए बेटा तू अगर वोट ए पास करे जा, जो बंगला में होता है, जो बाबा तू पास कर तो गाड़ी की न दे, फिर भी माँ बोलता है बाबू तू पास कर ले तो चॉकलेट किन देव, फिर अगर वो बेटा पास जो ना कर तो की किन दे माँ, वो तो बोला था 15 लाख दे देगा। कहाँ है काला धन मिलने वाला है? काला धन कहाँ है? पोस्ता करके भैया साबित करने के लिए बार बार मोदी जी आ रहे हैं। हाँ वो बोल रहे हैं कि सोनार बंगाल यहाँ पर, उसको धन्यवाद आने के लिए। लेकिन हजारों करोड़ जो जाता है तनखा, किसका पीछे जाएगा? ये जो आ रहा है वो हम लोग देखते बढ़िया लगता है, देख बाबा देख बंदूक हाथ से ऊपर थी के बढ़िया लग रहा है, ये तंका किसका पीछे जाएगा बोलिए आप? किसके पीछे? किसका पीछे आप बोलिए? हम लोग का, जनता का पीछे, हम लोग का रुपया से किसका पीछे जाएगा? हम लोग का रुपया 26 तो ले लिया बीजेपी। हाँ लेने दो, 294 लेने दो, 294 भी चल जाएगा ना, तो कोई बड़ा बात नहीं है, भारत वर्ष में आग लग जाएगा। जन्म होले शिशु साथी, स्कूले गले सबुज साथी, हाँ असुस्थ होले स्वास्थ्य साथी, खिदा पेले खाद्य साथी, অন্তিম কালে সমাবেতি, এই মাটিতে খেলা হবে, আমি দেব মেদিনীপুর জঙ্গল মহল। মতলব ইস বার খেলা হবে? এ খেলা তো হোগাই, হো গিয়া, চলো হো গিয়া। হ্যাঁ আর গিয়া, আচ্ছা আর গিয়া, আর বিকাশ। শুনিয়ে এবি পেলা বাদ মেরা হ্যায় জো আপ লোগ জিসকা আপনা ঢাং হো রহা হ্যায় কি এক পেহর মে কাইসে খেল সকতা হ্যায়। আচ্ছা রাইট, আপ লোগ বহুত বহুত কুছ সোচতা হ্যায়। पांव टूट गया, टूट गया है। अगर सुधा चंदन उसके काट के पैर के ऊपर अगर जो भारत नाटक नाच सकता है तो दीदी का ही नहीं एक पैर में खेल सकता है। कोई है आपके पास? और एक बात में, और है आपके पास इसका रिपोर्ट? मैं और एक बात बोलिए, मैं और एक बात जानना चाहता हूँ कि यहाँ पे तो महादेव जी है। हाँ? आप तो महादेव जी का रुद्राक्ष भी पहने हुए हैं, पहना हुआ है, सब कुछ इतनी शक्ति भी है, लेकिन धर्म को लेके हाँ क्या चल रहा है? धर्म के लेके चुनाव मेरे को अच्छा नहीं लगता है, धर्म के चुनाव अच्छा नहीं लग रहा है। दीदी हिंदू के साथ नहीं है बीजेपी बोल रहा है, ये तो गलत बात है, जो जिस तरीके में देखता वही होता क्या है। मुसलमान के साथ है भाई साहब? नहीं 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 नहीं, जो जिस तरीके में देखता वही अच्छा, उसका वो अलग बात है। डिग्री करके वोट लेगा, ये चुनाव का कोई तालिका नहीं है कि हिंदू है ये मुसलमान मुस्लिम है कि ये है कि वो है, इसमें कोई तालिका नहीं है। मुसलमान क्या मनुष्य नहीं है? काई नहीं है। अरे जब आप खून लेने जा रहा है, जब आपको खून जरूरत है, आपका माँ या बहन या तो कोई पड़ोसी है, तो खून में किसी का ढूंढा है, ये मुस्लिम का है या ख्रिस्तान का है, अब ढूंढा है का है, तो विभेद कौन कर रहा है इधर? चुनाव जो लेने वाला बंगाल को, हाँ जो चुनाव लेने वाला है, चाय वाला, विभेद वाला कोई है? विभेद कर रहा चाय वाला। अब अगर अगर आपका माँ को खून जरूरत है, अगर आपका बहन का है प्रेगनेंसी या खून के लिए, अब थोड़ी ना जाते हैं, ए मेरा बहन का खून जरूरत है, ए भाई तुम मुस्लिम है या कि ख्रिश्चान है या कोई भी है, मेरा नहीं चाहिए, मेरा हिंदुस्तानी खून है। जब आप लड़की देखने जा रहे हैं, आपके बाप जब आपके शादी के लिए जा रहा है, तब आप देख रहे हैं हम क्षत्रिय है, हम ब्राह्मण है, हम यही है, हम वो है, हम वो है, तब हम देखते हैं।
लेकिन जब खून के लिए देखते हैं कभी, किस लिए देखते, थाना देने के लिए। खून का जो कर रहे थे महागुरु जो आया है, कोबरा 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 वाला महागुरु खून का लिए देखता, उसका लड़का रेप केस का सामी है, वो हम नाता नहीं है उसमें, हम आता क्या लगता है ईडी या सीडी? वो तो मिथुन जी भी बीजेपी के साथ है, साथ है, पहले तो था, पहले तो था, पहले का जोड़ा हुआ उनका आदमी है, पहले का भी था। जब उसको उठा के लेके आया सुभाष चक्रवर्ती, वो था सीपीएम में, उसका बॉस था वो, जब आया अभिनेता में तब वो सुभाष चक्रवर्ती था, उसके बाद दीदी था। जैसे देखिए आईपीएस प्रमोट आईपीएस भारती घोष अभी खड़गपुर डेबरा में हुमायूं को बेसर लड़ रहा है, वो क्या बोला था मिन्नापुर कॉलेज में, कॉलेज मैदान में, मेरा माँ है ममता जी, आज कहाँ है ममता जी का पीछे, तुम दूसरा बोल रहा हो। ममता दीदी के काम पर आप खुश है? बहुत खुश है, खुश इसलिए है मेरा लड़का ये चुनाव में, मेरा लड़की पहले बार आज वोट देखने गया है कल, तो मेरा बेटा बोल रहा है ए दीदी भाई 25,000 पे छू तो वोटा तो दीदी के ही दे। अच्छा, मेरा लड़का बोल रहा है। लेकिन बीजेपी वाले इतना प्रचार कर रहे हैं, हेलीकॉप्टर में आ रहे हैं, मोदी जी आ रहे हैं, किसका पीछे जाएगा? नहीं नहीं नहीं, नहीं पूरा देश, वो खर्चा किसका पीछे जाएगा? जनता का पीछे, किसका पीछे जाएगा? ओ, 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 जो आ, ओ जो था अर्थ मंत्री, उसका नाम क्या, निर्मला सीतारमन, बोले हम प्याज नहीं खाता है, मेरा कैसे बोलूं मैं प्याज का दाम, ये कौन सा देश है भाई, कौन सा देश है भाई? गुस्सा है आप बीजेपी, किससे करे गुस्सा? बीजेपी को, अरे माँ बाप से भी गुस्सा नहीं करे, माँ बाप गुजर गया, किससे गुस्सा करे हम? मुस्कुरा से बोल रहा है, ये सही नहीं बात है, चलो ऐसे करो जैसे मैं, मेरा बात ये है जैसे जनता से अच्छा होगा, तुम आओ हम आओ, मेरा पेट भरो ये अच्छा नहीं है, जनता का दिल भरो मन भरो, चुनाव करो और जितना चुनाव में इतना फोर्स दिया है इसके पीछे जाएगा ये पहले बोलो। ओके, ये पहले बोलो सवाल, जमीन हकीकत क्या है? जमीन हकीकत यही चाह रहे हैं हम लोग, चुनाव करो बढ़िया करो आओ सबको अच्छा है, और जो चुनाव में इतना फोर्स आया हम लोग तो बढ़िया लगता है, इधर खड़ा हो रहा है बंधु लेके, इधर खड़ा हो रहा है, ये हेड पर रहा है, वो हेड पर रहा है, ऊपर से निकल रहा है, इतना अच्छा है हम लोग। हम लोग जब बचपन से हम बेटा को बोले बाबू वो देख चांददास चौबंदी के, तो देख रहा है ये चांद किसका पीछे जाएगा। आप टीवी देख रहे हैं कि नहीं? हाँ टीवी 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 हाँ देख रहा है, बहुत सारे नेशनल मीडिया, उतना हम नहीं देखते, उतना देखते नहीं, क्यों? उतना टाइम नहीं मेरे पास, सब नेशनल मीडिया दिखा रहा है, उतना टाइम मेरे पास नहीं है। बीजेपी का साथ, इस बार बीजेपी का साथ, हाँ हो सकता है, हम भी बोल रहे हैं चलो बीजेपी सरकार हो, लेकिन जो गैस दिया है उज्जवला, जिसको क्या बोला उसको, मिट्टी लपने के बाद काम आता है, उसको दे दिया गैस, दे दिया ना, सीख गया। अब गैस उसका किसका घर में, उसका वो पूछो तो कहाँ है वो गैस, कहाँ है का पूछो, जिसको दिया है लिपने वाला मिट्टी गैस दे दिया है, कहाँ है उसको पूछो, पूछ के आओ, हम कैसे बोले, हमको नहीं मिला, हमको आपको नहीं मिला नहीं? आप तो घर पे गैस होगा ना, गैस तो है ही है, आपको क्या जरूरत है? हाँ फ्री का जरूरत क्या है, फ्री का जरूरत नहीं है, हम क्या बोला, हम बोला ये बोला जो भी सरकार है उसको आने दो, तब बढ़िया से आदमी जैसे चल रहा है दिन से, वो जैसे चलता है उसको छाती उठाकर उसका चले, सब कुछ चले ना दीदी, हम किसी बोलछी ना, अपनी क्या बोलबे ना, ठीक है बोलो ना, तुम्हें আমার কথা এটাই, আমি বাংলায় বলছি, যেই সরকার লঙ্কায় গেলে সবাই রাবণ, ঠিক আছে, আমার কথা এটাই, যে সরকার আসবে আম জনতার জন্য ভালো হয়, আমি এটাই চাই এক কথাতে। ওকে ভাই সাহেব, जिसका जो बढ़िया करेगा उसी को वोट मिलेगा, अब इसके अलावा कुछ नहीं है। अगली बार बीजेपी, बीजेपी सरकार किया है दीदी, अच्छा काम किया है कि नहीं? बीजेपी सरकार आएगा, बीजेपी आएगा, आपको लगता है? लगता है, इनसे पूछिए, इनसे पूछिए। दीदी फुल मेजोरिटी से आज से क्यों,
दीदी काज करे छे एखने दीदी काज करे छे सोनार बंगाल नहीं बना सोनार बंगाल दीदी बना के रखा हुआ पहले से सोनार बंगला अब बीजेपी बोल रहा है कि सोनार बंगला बना बीजेपी भावतावाद पार्टी है चीटिंग मैच पार्टी है 420 बाजी है लैंड नंबर 420 हमें सब 420 हमें बोल छे अपना के ওরা কিছু করতে পারবে না দেশে খালি আতঙ্কবাদী ঢুকিয়ে এখানে লড়াই ঝড়া করো দিদি যা করেছে কোন বাপের বেলা ইন্ডিয়াতে কেউ প্রাইম মিনিস্টার কেউ চিফ মিনিস্টার করতে পারবে না আজ পর্যন্ত কেউ মমতা ব্যানার্জি লেকিন ও বল রহে হ্যায় কি বঙ্গালবাসী হামারে সাথ হ্যায় বিজেপি কে সাথ সব ঢবিং কথা আছে ঢবিং সব সব 420 বাজ কথা আছে নরেন্দ্র মোদি 420 বাজ আমি সব 420 বাজ হকিকত ক্যা হ্যায় হকিকত হ্যায় দিদি আয়েগা ফুল মেজরিটি কে সাথ আয়েগা দিদি মমতা ব্যানার্জি এক কাম আপ বল দিজিয়ে কি জো আচ্ছা হুয়া হ্যায় अरे दीदी बहुत अच्छा काम किया बहुत अच्छा किया एक काम कितना बोलेगा आपको बहुत काम बोलेगा आप राशनिंग में व्यवस्था है देखिए राशन फ्री में दे रहा है सबको नरेंद्र मोदी बंद कर रहे अमित शाह ममता बनर्जी दे रहा है ममता बनर्जी बहुत काम किया ऐसा बात नहीं आपको स्वास्थ्य साथी में देखिए सबको 5 लाख रुपए सबको दिया हम लोग को भी दिया सबको दिया पश्चिम बंगाल में पूरा सबको दिया किसमें स्वास्थ्य साथी जो हुआ साथी का जो है मेडिकल जो क्लेम है 5 लाख एक बात आपको बताता है हम लोग भी तो यहाँ पर आयुष्मान योजना वो नहीं लगा वो 2 लाख तक है 5 लाख आपको 3 लाख देना पड़ेगा जो है ना आयुष्मान में 3 लाख आपको घर से देना पड़ेगा 5 लाख फुल पेमेंट है 5 लाख का फुल कवरिंग है तो जो नेशनल मीडिया सब बोल रहे हैं कि इस बार बीजेपी का सरकार बनेगा और बीजेपी सुनिए त्रिपुरा में बीजेपी आया ना त्रिपुरा में बीजेपी आया है तो त्रिपुरा में मोदी बोले चलो 15 लाख टका सबा के देव 15 पैसा दाय नहीं कहोगे 15 पैसा दाय नहीं है नोटबंदी करो 15 लाख सबा के दे देव क्या 15 पैसा दिए कहोगे गोल गोल अरे एक आगे दादा बोलें उज्ज्वला योजना सबा गैस दिए गैस तो दिए রিফিলিং চার্জটা কে দেবে 1000 টাকা চাই ওরা গ্যাস ফ্যাস চুলে ফেলে দিয়েছে কাটার গুটে দিয়ে ডালনা করছে দিদি পেলে বলা কি খেলা হবে হ্যাঁ খেলা হবে তো উসকে বাদ দিদি কা পাও টুট গিয়া আর তুমি তো লড় রহা না কিসে খেলা হবে আরে বাবা দিদি ভাই খেলা হবে না দিয়ে তো পাইন না দিদি কা পেট টুটে বলে খেলা হবে এটা আমি বলবো আরে হিম্মত না এক সেকেন্ড দিদি কা পেট টুটা হ্যাঁ জান নি টুটা দিদি মে হিম্মত হ্যায় बंगाल टाइगर सीज बंगाल टाइगर सीज बंगाल टाइगर यस यस अरे जो गोल मारता उसी का पैर टूटता है बंगाल टाइगर ताली मारो बाकी टाइम बोल चलो सीज बंगाल टाइगर दीदी आप जो बोला है जे एक पैर टूट गया दीदी का कैसे खेला होगा अगर सुधा चंदन भरतनाट्यम अगर नाच कर सकते दो काट के पैर के लेके तो काहे दीदी नहीं खेल सकता है ये आप बोलिए दीदी आ जाएगा तो आप पान खिलाएंगे हमें चलो दीदी आने का नहीं प्यार से खिलाएगा आपको आपको प्यार से खिलाएगा दीदी आने का पहले ये वाला नहीं दीदी तो आने वाला ही है प्यार से खिलाएगा आपको आपको क्या लगता है अभी भी आपको क्या लगता है पहले ये बोलिए तो आप तो बहुत सारी ढूंढ रहे बहुत सारे आपको क्या लगता है पहले आप बोलिए मैं आपको बोल रहा हूँ हम जब चुनाव खत्म होगा तभी हम सर्वे रिपोर्ट दिखाएंगे अभी तो हम नहीं बोलेंगे ना आपको क्या लगता है आपको थोड़ा हमको क्या लगता है हमें अभी हम नहीं बताए हम जानता है हम आप बोलने वाले नहीं है फिर भी हम बोल रहे हैं आपको क्या लगता है क्या लगता है मैं नहीं बोल सकता कि अभी क्या हमको क्या लगता है मेरे मेरे लगने से कुछ नहीं होगा मैं तो बाहर से हूँ मैं यहाँ का वोटर था आप नागरिक नहीं है मैं यहाँ का वोटर नहीं हूँ कहाँ का दीदी है दीदी है जाकर नहीं है जाकर दीदी है लगाओ दीदी वाला ना एक मिनट दीदी वाला एक मिनट एक मिनट दीदी वाला रुको रुको यूपी का है नहीं मैं उड़ीसा का उड़ीसा का है तो नवीन पटनायक भी तो उसका वोट हुआ था चुनाव हुआ था एक ही जो तो 120 का मिशन फेल हो गया था बीजेपी जो चुनाव हुआ था लोकसभा में हाँ वो उसको मिला मोदी को और विधानसभा जो साथ मिला नवीन पटनायक को अगली चुनाव में नहीं मोदी जी को तो 8 मिला 21 से 8 मिला और नवीन पटनायक जी तो 5 बार मुख्यमंत्री मेरा आपका पास हम बोल रहा है जो 200 मिशन है बीजेपी का 200 आ जाएगा नहीं नहीं मैं आपको बोल रहा है एक सेकंड मैं आपको आपको बात कर रहा है आप तो बहुत सारे ढूंढ रहा है ऐसे जैसे हम लोगों को देख के भाई साहब मैं आपसे भागो एक दिन खत्म हो जाएगा एक दिन आपके साथ बात करूंगा तो एक दिन खत्म हो जाएगा भागो मत आप तो ऐसे घूम रहे हर जगह घूम रहे इसीलिए ये आपका क्या बोला प्रोफेशनल या पेशा है
ये है, पत्रकार है, घूमेंगे। पत्रकार को तो इज्जत बहुत बढ़िया है, जानना चाहेंगे कि जनता का मूड क्या है। क्या आपको क्या लग रहा है इतना घूर के? मैं तो बताऊंगा, मैं बताऊंगा आपको। बोलो, मैं थोड़ा मुस्कुरा के देखा दो। जब चुनाव खत्म हो जाएगा तभी मैं आपको बताऊंगा, तभी मैं आपको बताऊंगा अभी हाल क्या है। ठीक है भाई साहब, সবাই ভালো থাকুন। আমার কথা এটাই, যেই আসুন জনতার জন্য কাজ করুন। এ চুরি করছে, ও চুরি করছে, এ পালিয়ে যাচ্ছে, ও পালিয়ে যাচ্ছে, এই জিনিসটা কাম্য নয়। বীরে বীরে খোলাখুলি উলুকাড়ার প্রাণ যাচ্ছে, এই জিনিসটা কাম্য নয়। আমি কাম্য করি না, আমি একজন নাগরিক হিসাবে মানুষের জন্য কাজ করুন। যেই আসুক ভালো হোক। क्या नाम है आपका? मेरा देव कुमार। देव कुमार जी, जब दीदी आ जाएंगे वो बोले हैं कि वो हमें बनारस का पान खिलाएंगे। और नहीं नहीं, हम अभी बोल रहा है, जन्म होले शिशु साथी, खिदा पहले खाद्य साथी, स्कूले गेले सबुज साथी। ठीक है, अंतिम काले समबेत यही माटी खेला होबे, यही माटी खेला होबे। প্রতি মাসে বর্গী আছে, সময় করে বর্গী আছে, বন্ধু তুমি আছো, আমি এই মাটিতে খেলা হবে, খেলা হবে। দর্শক বন্ধু, আমি লগাতার ভাবে আমি আলোচনা করতে যে অনেক লোকঙ্কর মুড কন রয়েছে, জনতাঙ্কর মুড কন রয়েছে। আপনি দেখিলে অনেক লোক সাথে আমি কথা হলে কিছু লোক কৌছেন যে বিজেপি কু সুযোগ মিলবা দরকার, আর কিছু লোক কৌছেন এবার মমতা কি সরকার। তাহলে দর্শক বন্ধু, আর অনেক জনতাঙ্কর মতামত আমি নবু, কিন্তু বর্তমান পাই কার্যক্রম গেট রাখবা। নমস্কার।